जान, हाँ मेरी जान, ये कहते ही आप समझ गए होंगे कि बात किसकी की जा रही है। जी हाँ, हमारे साथ अभी मौजूद है समी स्टाइलो, AKA हाँ मेरी जान। तो आज वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सिराज सर के जन्मदिन पर वो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं। Alright, so guys, good morning everyone. It's your boy Samir Stallion in the house, babes. तो क्या बोलते हैं नागपुर की पब्लिक, सबको आदाब नमस्ते, सत श्री अकाल, जय महाराष्ट्र, जय नागपुर, जय भीम। सो मैं आज आया था सिराज शेख जी के बर्थडे में, और बर्थडे के मौके पर मैंने देखा कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आके इन्होंने शिविर रखे थे एक, जिसमें ब्लड डोनेशन, मतलब बहुत सारी सर्विसेज थी जो फ्री दी जा रही थी आम नागरिकों के लिए। तो यहाँ से मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया, और मेरा नज़रिया और साथ ही में बहुत से लोगों का नज़रिया बदल गया होगा बर्थडे मनाने का, क्योंकि आमतौर पर हम लोग बर्थडे मनाते हैं धूम धड़ाके से, पार्टी करते हैं, मगर आज मेरे को यहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बर्थडे ऐसे भी मनाया जा सकता है इस तरीके से। सो ये बहुत अच्छी बात है, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो और भी अच्छी बात है, सबको ऐसी तरीके से बर्थडे मनाना चाहिए। जिस तरह हमने आज जाना ही है कि सिराज सर ने किस तरह ज़ीरो से शुरुआत करके आज इतना ऊंचा मकाम बनाया, उसी तरह समीर जी आपकी भी कुछ स्टोरी कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती है, तो हम चाहेंगे शॉर्ट में आप उसे दर्शकों को एक्सप्लेन करें आज के इस खास दिन पर। देखिए, मेरी स्टोरी तो इतनी बहुत बड़ी नहीं है, मगर मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेहनत और समय मिक्स करके मैं आज यहाँ तक के पहुँचा हूँ। पहले मैंने स्टार्ट जो किया था, पान ठेले पे बैठा था, पान लगाता था मैं मामा के पास, और अचानक से मेरे को शौक चढ़ा टिकटॉक का, टिकटॉक था उस समय चल रहा था, और मैं वीडियोस बनाने लगा टिकटॉक पे, 50,000 फॉलोवर्स को समथिंग हो गए थे, फिर अचानक से टिकटॉक बंद हो गया, फिर आई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम रील, हमको लगा कि टिकटॉक बंद होने के बाद अब वापस से वो ज़िंदगी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा फेम मिल गया था, तो फिर और इच्छा हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो अब करना ही है। अब उस समय ज़्यादा लोग नहीं बनाते थे, मतलब कुछ समझते मत, घर वाले बोलते थे क्या है ये, बेकार है, ये सब चीज़ों में कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ, काम कर, मेहनत कर, पान ठेले पे बैठ, पान लगा और ज़िंदगी में वही कर। तो फिर बहुत से लोगों को घर वालों ने आके ये बोले कि नहीं यार, तुम्हारा लड़का वीडियो बनाता है, तुम्हारा भांजा बना, तो उन लोग को प्राउड फील हुआ। फिर वहाँ से मेरे को मिला सपोर्ट, फिर सपोर्ट मिला तो फिर अचानक से इंस्टाग्राम का रील्स स्टार्ट हो गए, रील्स पे वीडियो बनाने लगा, बनाने लगा, बनाने लगा, घर वालों के सपोर्ट से भी बनाने लगा। स्टार्टिंग में तो कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था, फिर अचानक से मैंने एक डायलॉग बोल दिया था, आ मेरी जान, तो वो डायलॉग आज, वो डायलॉग एक साल से ज़्यादा हो गए, तो वो डायलॉग ने मेरी पूरी लाइफ बदल दिया, पूरी, मतलब वो बोलते ना ऊपर वाला देता है एक चांस देता है, बस वो चांस मेरे को मिला और उसने पूरी लाइफ बदल दिया मेरी। मैं नागपुर टू मुंबई, मुंबई टू पुणे, मतलब मैंने महाराष्ट्र एक्सप्लोर किया, आउट ऑफ महाराष्ट्र में जाते गया, देखा कि इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल कैसी होती है, और आज मेरे को बेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, फर्स्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड भी मिला है। ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि नहीं, ज़िंदगी में मैंने कुछ ना कुछ किया, सिराज शेख जी से मुलाकात हुई, ऐसे बहुत से लोगों से, बिजनेस मैनों से, देखो ना एक पान ठेले से एक बिजनेस मैन से मिलने का सफ़र जो हुआ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, और ये मैं जानता हूँ और मेरे घर वाले जानते हैं, और जो अभी तक के मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग 5 साल से लगातार, वो जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है सब चीज़ों में, कोई भी बिना मेहनत के यहाँ तक नहीं पहुँचता है। और वो मेरा एक डायलॉग था, बहुत फेमस था, मेहनत के ऊपर से मैं ये ख़त्म करता हूँ वो डायलॉग बोल के, वही अपना जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो पूरा इतिहास बदलता है, हाँ मेरी जान। तो जी बिल्कुल समीर जी, हाँ मेरी जान, ये बोलने से ना आज सिर्फ नागपुर के लोग ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग, और मैं कहना चाहूँगी क्या पूरे इंडिया के लोग बस यही जानते हैं हाँ मेरी जान, तो वो है सिर्फ और सिर्फ समीर स्टाइलो। तो अभी हमने समीर स्टाइलो से बात की, मैं आपसे बस एक आखिर में ये जानना चाहूँगी, आज जो है नागपुर का, पूरे महाराष्ट्र का एक यूथ आपको देखता है, आपसे इंस्पिरेशन लेता है, तो उस यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या आज के इस स्पेशल डे पर सर के इंस्पिरेशन से आप क्या उनको कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो जो यूथ मेरे को देखता है उसमें मैंने देखा है कि इनसाइट्स में मैं जाता हूँ कि कितने से कितने उम्र के लोग, बच्चे रहते हैं मेरे इसमें, तो मैं देखता हूँ कि उसमें 10 साल से लेकर, मतलब 10-12 साल से लेकर
26-27 साल के जो लोग थे वो ज़्यादातर एक्टिव है मेरी प्रोफाइल में, जो मेरे को देखते सीखते मेरे जैसा पहनते और मतलब रहन सहन भी उनका मेरे जैसा हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आइकॉन बन रहा हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ। तो बहुत से लोग मेहनत कर रहे हो मगर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मेरी मेहनत को लोगों ने किस्मत का नाम दे दिए कि किस्मत से आगे बढ़ा। लोगों को आगे का दिख रहा है, उजाला दिख रहा है, अंधेरा किसी को नहीं दिख रहा। और मैं बयां भी नहीं करना चाहता हूँ मगर मैं इस बात को अभी बताता हूँ कि सिराज शेख भी मेहनत करके यहाँ तक के पहुँचे, मैं भी मेहनत करके यहाँ तक के पहुँचा हूँ। तो आप भी मेहनत करते रहो, आप भी पहुँच जाओगे। मतलब कैसा होता है कि बहुत से लोगों को कम समय में ज़्यादा उजाला चाहिए कि यार नहीं हो रहा, कुछ छोड़ दो ना ये सब लाइन, क्या करना है वापस से कपड़े का काम करते हैं, ये काम करते हैं, पापा का बिजनेस संभालते हैं। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है जो तुम्हारा प्रोफेशन, जो तुमको जिसमें इंटरेस्ट है वो काम करो और मेहनत करना पड़ेगा। बिगर मेहनत किए इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है मेरा भाई। हाँ मेरी जान, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। तो जिस तरह आज सिराज सर के जन्मदिन पर हमने कई लोगों से बात की और सर के नेतृत्व में जिस तरह सर ने मेहनत करके आज जो मुकाम हासिल किया, उसी तरह हमने कई लोगों के, कई गणमान्य व्यक्तियों के, कई खास लोगों के जीवन का परिचय आज के इस दिन पे हमने जाना और दर्शकों तक पहुँचाया।